वेलकम टू श्री जी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज मैं आपको एक जूसर मिक्सर ग्राइंडर का डेमो बताने वाली हूं, जो प्रीति जोड़िया का है, जिसे मैंने कुछ टाइम पहले ही परचेस किया है और मुझे इसका रिजल्ट बहुत ही पसंद आया, तो मैंने सोचा कि इसके रिव्यूज आपके साथ शेयर करने चाहिए। जो भी हमारे रूटीन के किचन के काम होते हैं, नीडिंग, चॉपिंग, कटिंग, वो सारे काम इस में आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए इसका डिटेल में डेमो मैं आपको वीडियो के दौरान बताती हूँ। सबसे पहले बात करें इसकी वारंटी की, तो 5 साल की इसकी मोटर की वारंटी है, 2 साल की पूरे प्रोडक्ट की, और ये लाइफ लॉन्ग फ्री सर्विस देता है। साथ ही में 5 जार है, जिसमें 1.5 लीटर का, 1 1 लीटर का और 1 चटनी का जार है, 1 मास्टर जार और 1 जूसेस और स्मूदी बनाने के लिए है। इसका ब्लेड इतना शार्प है कि आप हल्दी को सिर्फ 2 मिनट में ग्राइंड कर सकते हैं। इस मिक्सी में आप जो भी जूसेस बनाते हैं, वो 20% ज्यादा जूस निकलता है कंपेयर टू एनी अदर जूसर के। इसका कूलिंग सिस्टम मोटर का इतना फास्ट है कि मोटर बहुत ही जल्दी से ठंडा हो जाता है। मास्टर जार में आप आटा सिर्फ 1 मिनट में लगा सकते हो, साथ ही में आप कटिंग और चॉपिंग भी फास्ट कर सकते हो। इसने बहुत सारे क्वालिटी टेस्ट पास किए हैं, जिसमें इसका जो मटेरियल्स है वो इको फ्रेंडली मटेरियल्स यूज किया है। इसमें जो भी रबर, प्लास्टिक और स्टील का यूज हुआ है वो फूड ग्रेड मटेरियल्स का है। 215 घंटे का मोटर का टेस्टिंग हुआ है और 30 मिनट का इसका ग्राइंडिंग का टेस्ट पास हो चुका है। मतलब कि आप चना दाल या उड़द दाल को कंटिन्यूअस 30 मिनट तक ग्राइंड करते हो तो भी आप कर सकते हो। 10 घंटे का इसका ब्लेड का टेस्टिंग हुआ है और जो जार का लॉक अनलॉक सिस्टम है वो भी एकदम परफेक्ट है। तो इसके सारे जो फीचर्स है वो बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस मिक्सर का डिजाइन और कलर दोनों ही बहुत ही बढ़िया है। नॉर्मल मिक्सर के कंपेयर में ये थोड़ा यूनिक लगता है। ये 3 जार आप कोई भी मिक्सर खरीदते हो तो उसके साथ आता ही है, और इस जार की कैपेसिटी भी मैंने अभी आपको बताई। इसके साथ 2 अलग जार है, उसमें से ये है फ्रेश फ्रूट जूस और स्मूदी बनाने के लिए। अभी जो इसमें अटैचमेंट लगे हुए है, इसका यूज करके आप फ्रेश फ्रूट का जूस आसानी से बना सकते हैं। ये वाला ब्लेड फ्रूट जूस बनाने में यूज होता है, और जब भी आपको मिल्कशेक या स्मूदी बनानी है तो ये वाला ब्लेड यूज करना होता है। ये मास्टर जार है, जिसके साथ 4 अलग अलग तरह की ब्लेड आती है। ये आटा लगाने के लिए, ये वेजिटेबल कटिंग चॉपिंग के लिए, ये कद्दूकस करने के लिए, और ये स्लाइस बनाने के लिए। ये प्लास्टिक का जो अटैचमेंट होता है उसमें आपको जो भी ब्लेड यूज करनी हो वो इस तरह से लगा देनी है। बहुत ही इजी है इसे फिट करना और निकालना। जब भी आपको निकालना हो तो इस तरह से आप निकाल के दूसरा फिट कर सकते हैं। इससे आप लौकी, कैरेट, गाजर, जो भी कद्दूकस करना चाहे कर सकते हैं। ये प्लास्टिक का जो अटैचमेंट है उसे आप इस तरह से फिट कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा इसके ऊपर रख देना है, और आपको ऑरेंज का जूस बनाना हो तो इसमें आप बना सकते हैं। जब भी आप मिक्सर को चालू करते हैं तो इस तरह की बहुत ही बढ़िया ब्लू लाइट इसमें होती है, जो बहुत ही अच्छी लगती है। ये ब्लैक कलर का जो अटैचमेंट है वो हर बार मास्टर जार में यूज होता है। जो भी ब्लेड यूज करनी हो वो इस तरह से इसके ऊपर रख देनी है, इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे इस तरह से लॉक कर देंगे। इसे हम मिक्सी पे लगा देंगे। अब स्लाइस करने के लिए मैंने एक आलू लिया है, जिसे पहले मैं छील लेती हूं। आलू को इसके अंदर रख देंगे और इसके साथ जो इसका इस तरह का पुशर आता है वो इसके ऊपर रख देना है। थोड़ा सा इसे प्रेस करते जाए, 1 की स्पीड पे मैं इसे चला लेती हूं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया आलू के स्लाइसेस बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आपको इसके पकोड़े बनाने हो या सीजन में आलू की वेफर्स बनानी हो तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप स्लाइसेस रेडी कर सकते हो। इसी तरह से कैरेट के, कुकुम्बर के, जो भी स्लाइस करना चाहो कर सकते हैं। अब लौकी को कद्दूकस करेंगे, तो पहले ब्लेड चेंज कर लेना है। ये वाला ब्लेड हम इस तरह से रख देंगे, इसके ऊपर ढक्कन लगा दे। लौकी को मैंने छील के रेडी रखा है, तो लौकी इसमें रख देंगे। पुशर इसके ऊपर रख के थोड़ा प्रेस करें, 1 की स्पीड पे इसे चला लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम टाइम में लौकी कद्दूकस हो चुकी है। सेम इसी तरह से लौकी, बीट, कुकुम्बर, जो भी आपको ग्रेट करना हो आप
आसानी से ग्रेट कर सकते हो। अब हम वेजिटेबल चॉप करेंगे, तो ये वाला ब्लेड मैंने लिया है। जो भी वेजिटेबल आपको चॉप करना हो उसे बड़े बड़े टुकड़ों में आपको कट कर लेना है। अभी मैंने गाजर लिया है, आप ऑनियन, कैबेज, कोई भाजी जो भी चॉप करना चाहे इस तरह से कर सकते हैं। साइज जो भी आपको चाहिए उस तरह की आप रख सकते हैं। मैंने बारीक चॉप किया है अभी इसे, जैसा हम मंचूरियन में यूज करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बारीक चॉप गाजर होकर रेडी हुआ है। तो यही प्रोसेस आप बाकी के वेजिटेबल में भी कर सकते हैं। अब हम फ्रेश फ्रूट जूस बनाएंगे, तो गाजर को इस तरह से कट कर लेंगे। इसे मिक्सी में मैं फिट कर देती हूँ। ये वाला जो हिस्सा है वो खोल देना है और वहां पे दूसरा एक अटैचमेंट आता है वो आपको लगाना है। इसके नीचे ग्लास रख देंगे, पुशर रखे इसके ऊपर और एक की स्पीड पे चलाते जाए। छोटे बच्चों को देना है या कोई बीमार पर्सन को आपको फ्रूट जूस देना है तो ये बिना पानी का फ्रूट जूस बनकर रेडी होता है। आप इस तरह से फ्रूट का, वेजिटेबल का जो भी जूस बनाना चाहे इस तरह से बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको वाटरमेलन का भी जूस बना के बताती हूँ। तो मैंने इसके बीज अलग नहीं किए, बीज के साथ ही मैंने वाटरमेलन के पीसेस इसमें ऐड किए हैं। बहुत ही आसानी से और कम समय में ये जूस बनकर रेडी हो जाता है। आप सेम इसी तरह से लौकी का, बीट का जो भी जूस बनाना चाहे इस तरह से फ्रेश बना के पी सकते हैं और छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। अब हम आटा किस तरह से लगाना है वो देखेंगे। तो इसके लिए मैंने प्लास्टिक का जो ब्लेड था वो लगा दिया है। गेहूं का आटा लिया है, सबसे पहले इसमें तेल डाल देंगे, नमक डालेंगे, गेहूं का आटा ऐड कर देंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका ढक्कन बंद कर देंगे। चला लेंगे इसे की स्पीड पे। अभी मैं सॉफ्ट आटा लगा रही हूं तो मैंने थोड़ा पानी ऐड किया है। पानी आप जरूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया आटा लगकर रेडी हुआ है। मैं इसे तेल से थोड़ा चिकना कर लेती हूँ। तो आपने देखा ना कितनी आसानी से इसमें हमने आटा लगा लिया है। अब इसकी ब्लेड इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। ये वाली ब्लेड आपको निकाल के जो दूसरी वाली ब्लेड इसके साथ है वो हम इसमें रख देंगे और दोबारा से इसे जार में फिट कर दे। तो ये मिल्कशेक और स्मूदी बनाने के लिए जार रेडी है। ये वाला अटैचमेंट अभी यूज नहीं करना, इसका ढक्कन ही इस तरह से आपको यूज करना है। तो आप इसमें स्मूदी बना सकते हैं। अब हम ऑरेंज का जूस बनाएंगे, तो इस तरह से पहले इसे फिट कर दे, ये लॉक हो चुका है। ऑरेंज को दो हिस्सों में कट कर लेना है, तो सेंटर से कट करना है इसे। अब इस तरह से ऑरेंज को रखेंगे और मिक्सी को चलाएंगे, थोड़ा सा हाथ से उसे प्रेस करें। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ऑरेंज का जूस निकल के रेडी हो गया है। इस तरह से आप स्वीट लेमन का भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेश फ्रूट जूस बहुत ही कम टाइम में बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फ्रेश वेजिटेबल को फाइन चॉप, जुलियन कट, स्लाइसेस या ग्रेट जो भी करना चाहे आसानी से कर सकते हैं। साथ ही में आप पोटैटो की स्लाइसेस जो वेफर बनाने के लिए यूज होती है उसे भी आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। साथ ही में आप जो भी तरह का फ्रेश फ्रूट जूस पीना चाहे या वेजिटेबल जूस पीना चाहे तो उसे भी आप कम समय में बना के सर्व कर सकते हैं।
अब बात करें इसकी प्राइस की, तो ये अराउंड 6,500 से 7,000 में मार्केट में मिल जाता है। ये किसी भी किचनवेयर शॉप पे भी मिलता है, और अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहे तो वहाँ पे भी मिल जाता है। और प्रीति का भी एक साइट है जहाँ पे वो ट्राई एंड बाय का भी एक फैसिलिटी देते हैं, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा।